अच्छा, मैं आई यूजुअली डोंट डू इंट्रोडक्शंस. मैं ऐसे मतलब फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करती किसी को. तो उसका नुकसान ये होता है, उसका फायदा ये होता है कि फॉर्मल टोन नहीं सेट होती है. नुकसान ये होता है कि फिर करूं क्या मैं, क्योंकि वो ना शुरू वाली बातचीत ऐसी हो जाती है कि मेरा एडिटर अभी तक जी बोला नहीं है, पर किसी दिन तो वापस वो आके बोलेंगे कि भाई प्लीज एक फॉर्मेट बना ले, ऐसी मत मकर करती रहा कर. जी आपके ना लेखन से शुरुआत करते हैं. मैंने मैंने आपको बेंच पे पढ़ा था सबसे पहले, तो हाँ, स्टापू पढ़ा था टापू सबसे पढ़ी थी आपने। मैंने. हाँ, स्टापू पढ़ा था मैंने. और शर्मिष्ठा मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है. मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा है, पर मुझे वो बुक अभी तक मिली नहीं है यहाँ पे, तो आप वो आए यहां भिजवा देते हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बस मैं जुलाई में आऊंगी, तब मिलते अच्छा हैं. ठीक है, साथ साथ देंगे जी। हाँ, फिर उसके बाद में मैं वो किताब पढ़ती हूँ. किंडल पे भी मुझे नहीं मिली वो, पता नहीं क्यों. यूजुअली इतने टाइम में आ जाती है किताबें किंडल पे, किंडल पर है किताब वो, शायद फिर मेरे जोन में नहीं होगी वो कुछ. मैं हाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, हो सकता है कि हाँ होगी। हाँ तो मैंने ढूंढी, मुझे मिली नहीं. फिर उनका ठीक है, वो मैंने तो उस किताब के बारे में काफी पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है शायद जब मैं पढ़ूंगी ना तो मुझे काफी फेमिलियर लगेगी वो ऑलरेडी. तो फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, शर्मिष्ठा पहली किताब थी ना आपकी, शर्मिष्ठा पहली किताब 2020 में आई थी, 2020 में, और स्टापू फिर उसके बाद में 2021 इक्कीस के 21. लेटर फेज में। हाँ, 22 के लिए मेहनत कर रही हूँ कि कुछ 22 में शर्मिष्ठा, क्या कहते हैं इसका, वो आ जाए, स्टापू का हार्ड की हार्ड कॉपी आ जाएगी एक बात बताइए, जी। आपने कहानियां इसकी पहले भी लिखी हैं? आपकी कहानियां इधर उधर छपती रही हैं. हाँ, कि कहानियों को लेकर के मैं संकोची हूँ, मैं लगातार कहानियां नहीं लिख सकती हूँ। कहानियां मैं तभी लिखती हूँ जब से वो लोगों को गजल उतरती है, कविता उतरती है, उसी तरह से मुझे कहानियां उतरती हैं। इफ आई फील लाइक टेलिंग सम स्टोरी, आई टेल, आई राइट इट डाउन, आई पेन इट डाउन। मैं जबरदस्ती कहानी नहीं बना पाती, इसलिए मेरी कहानियों की जो साइज होती है, मतलब कि जो शब्द काउंट होते हैं, वर्ड काउंट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि मैं अनावश्यक खींचतान नहीं कर पाती हूँ। तो उसमें तो मैं ये जबरदस्ती कहूंगी ना, नहीं घुसाते. हाँ, तो कहानियां मेरी छपी हैं, पर हाँ उसको लेकर के संकोची रही हूँ, तो इधर उधर कहानियां छपती रहेंगी, बट आई हैव बीन काइंड ऑफ प्रीटी शाय अबाउट दैट। यू बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? आप लेखन से जुड़ी हुई माय हैं. फर्स्ट स्टोरी वाज बीइंग पब्लिश्ड, जानकीपुर में मेरी पहली कहानी पब्लिश हुई थी 2016 की जनवरी में। उसके बाद बीच में छिटपुट कहानियां एक पब्लिश होती रही, ठीक है। 2020 में किताब पब्लिश हुई पहली, शर्मिष्ठा। तो मतलब हाँ, 4 साल का वक्त लगा पहली कहानी से लेकर के पहली पहली कहानी से किताब। लेके पहली किताब तक, पर 4 साल उस हिसाब से इतना बड़ा समय शायद नहीं है, गिवन दैट कि लिटरेचर में मतलब कई लोगों को बहुत समय लग जाता है. मेरी एक वो थी ना, मतलब बहुत, लेकिन आजकल बहुत स्विफ्ट एज है, फटाक से, मतलब लिखना आता हो नहीं लिखना आता हो, पढ़ना आता हो नहीं पढ़ना आता हो, लोग फट से किताब निकाल लेते हैं। आई डिडंट वांट टू कम विद रॉ थिंग, यू नो, आई वांटेड टू कम अप स्टिल एवरी डे। हम अभी भी, मैं बहुत कच्ची हूँ, मुझे बहुत पकना है, और इट्स अ प्रोसेस जो कि शायद उम्र चलेगा, पर मैं ना वो कच्ची किताबें लेकर के नहीं आना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू कम अप विद समथिंग दैट कुड एक्चुअली, यू नो, गिव समथिंग टू द रीडर्स। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई वॉज, बट हाँ, मतलब मैंने वो वक्त लिया, मतलब लोग मेरे पीछे पढ़ते, जितना तो फेसबुक पर लिखती हूँ उसमें तो किताबें लिख रही थी, तो फेसबुक पर जो लिखना था ना, वो शायद प्रोबेबली वो राइटिंग प्रोसेस था, आप रिहर्सल करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मेरा अभ्यास का दौर चल रहा था वो। और उसके बाद भी कई चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जैसा कि आपने बोला कि आप कहानी को लेके संकुचित हैं, तो जरूरी नहीं है कि फेसबुक पे लिखी हुई हर चीज कहानी बन ही जाए, उसे खींचतान के बिल्कुल रील बनाना नहीं हो पाएगा. तो होता है. पर अच्छा, इसके पहले मतलब लिखने से पहले आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन मतलब लेखन संपादन इसी एरिया में है आप? अच्छा, दरअसल बात क्या है ना, कि मैं मास कॉम ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, ओके। तो मुझे ना या तो बोलना आता है या फिर लिखना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये दोनों चीजें ना हो तो मुझे खाना नहीं मिले, मैं भूखों मर जाऊंगी, ठीक है। तो आई ज्वाइंड, द फर्स्ट जॉब दैट आई ज्वाइंड दैट वाज एज अ राइटर ओनली, मतलब फीचर राइटर।
मेरी पहली नौकरी थी, तो या तो मैं प्रोफेशनली किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रही हूँ, या फिर रपट लिख रही होंगी, कोई न्यूज लिख रही होंगी, या फिर किससे कहानी लिख रही होंगी. तो लिखने के अलावा नहीं आता है कुछ मुझे. दैट्स माई ब्रेड एंड बटर, दैट्स माई सोल क्रेविंग, दैट्स माई एवरीथिंग. एंड दैट्स अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि 2016 से 2020 का जो वक्त लगा वो लगा, लेकिन उसके पहले जो पकने की प्रक्रिया थी वो शायद वो जॉब में चल भी रही थी. तो यू राइट फॉर योर ब्रेड एंड बटर एज यू सेड, बट एट द सेम टाइम दिस इज राइटिंग फॉर योर सेल्फ, जो बुक्स आ रही हैं और जो कुछ भी आ रहा है. तो दैट इज अ साइड बाय साइड थिंग. जो हम लोग जैसे हम जैसे लोग होते हैं जिनके लिए ये है कि लिखना एक हॉबी है, मतलब हॉबी बोल के तो बहुत हल्का लगने लगता है वो, बट जैसे मेरा ये है कि आप मेरा भाई कह प्रोसेसिंग दीजिए. है. हाँ, तो इफ आई डू समथिंग एल्स तो वो उसमें वो परिपक्वता आने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, मतलब दीज थिंग्स वो वेरी पर्सन टू पर्सन वाला है. मुझे लगता है कि हाँ, परिपक्वता, देखिए मुझे लगता है वैचारिकी बहुत मजबूत होनी चाहिए किसी भी किताब में. वैचारिकी अगर मजबूत नहीं है ना, आप जैसे प्रीत समाधि को उदाहरण ले लीजिए, बहुत लोग इसकी भाषा से नहीं खुश होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं पसंद आएगी, पर वो वैचारिकी जो किताब की है ना, दैट इज द कोर. या फिर नौकर की कमीज ले लीजिए, वैचारिकी ही है. तो मुझे लगता है कि परिपक्वता वैचारिक स्तर पर, विचार मतलब आप क्या दे रहे हैं पब्लिक को पढ़ने के लिए. ठीक है, भाषा पे तो एडिटर्स खेल जाते हैं, भाषा है और उसके साथ तो मैंने बहुतों की किताब की भाषा एकदम फटाफट चमकदार बना दी है. ठीक है, मैं खुद एडिटर ही हूँ बतौर प्रोफेशन चुके आते हैं, और जो ऐसे भी मेरे पास रोज कंटेंट आते हैं जिसको मैं एडिट करती हूँ, भाषा ही तौर पर बदलाव लाती हूँ. तो भाषा तो एडिटर का पार, पर एडिटर विचार नहीं डालेगा, विचार आपके अपने होंगे. तो किताबों का जो क्या जो मतलब, जैसे आप अरुंधति रॉय की दो किताबें ले लीजिए. एक किताब है उनकी, मैं ये बहुत पब्लिकली और बहुत आम बोल रही हूँ, पहली किताब जो उनकी है जिसको उनको बुकर मिला, उसकी वैचारिकी बहुत मजबूत है भाषा के साथ साथ. दूसरी किताब जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, उसकी वैचारिकी मतलब वो किताब शब्दों का खूबसूरत घर जरूर नजर आती है, उसमें ठहरने का मन नहीं करेगा. समझ गए आप? हाँ, मैं उस किताब के बारे में मैं भी यही कहती हूँ कि वो अच्छी किताब नहीं है, वो अच्छे से लिखी गई किताब है. एग्जैक्टली. तो लिखे गए का तो लिखा गया तो फेर है, वो तो शब्दों का फेर है. भाषाई जाल में किताबें नहीं बुनी जाती हैं, किताबें वैचारिकी की वजह से रहती हैं, टिकती हैं, पढ़ी जाती हैं, सराही जाती हैं. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट, क्योंकि जैसा आपने बोला आजकल सब लोग लिख लेते हैं, लिखना आता है या नहीं, पढ़ लेते हैं पढ़ना आता है या नहीं, जो होता है. तो सेल्फ पब्लिशिंग ने दुनिया को बहुत कुछ नया दिया है, अच्छा दिया है, पर उसके साथ साथ एक ऐसी किताबों का गट्ठर भी दिया है जो शायद नहीं छपनी चाहिए थी. मुझे पता है मैं रूड हूँ ये बोलने में, पेड़ पर पेड़ बेचारे पेड़ दुखी हो जाते होंगे. मैं ऑफिस में मतलब अननेसेसरी प्रिंट आउट नहीं लेती कि उसकी वजह से, मतलब वो सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ है ये वो. और मुझे वैसी किताबें दिखती तो मुझे लगता है कि यार मैं तो फिर भी किंडल पे पढ़ती थी, ये तो छपी होंगी बिकी होंगी, मतलब वो बहुत बहुत गलत है, नेचर के साथ भी बहुत गलत है ऐसी से. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो नहीं होना चाहिए था. तो वो वैसा ही है कि उस किताब में शायद थोड़ा सा जो भी लस्टर है वो एडिटर की वजह से है, अगर एडिटर उन्हें बिल्कुल अच्छे मिले हैं तो. बट दैट असाइड, मैं ना रेत समाधि के बारे में बात करना चाहती थी, पर मैं वो एंड में लाती, बट सिंस यू हैव मेंशन इट यहीं पे लाता है. अच्छा, मैं बताऊंगी सही सही कि मैंने फेसबुक पे ये पढ़ा है अभी पिछले कुछ दिनों में, कि लोग हैं जो रेत समाधि, जो इस विवाद में पड़े हुए हैं कि रेत समाधि, टूम्ब ऑफ सैंड, उसमें बहुत ज्यादा वो चल रहा है विवाद कि हिंदी का क्यों इतना गुणगान किया जा रहा है जबकि ये ट्रांसलेशन को मिला है. थैंकफुली, या मेरा इग्नोरेंस है या फिर थैंकफुली, जैसा भी उसको ले, मैंने वो कमेंट्स नहीं पढ़े हैं अभी तक. मैंने वो पोस्ट, आई हैवंट कम अक्रॉस दोस पोस्ट जो क्रिटिसाइज कर रही है इस चीज को. मेरी कुछ फ्रेंड्स से बात हुई है तो उसमें था कि ये तो, मतलब एक दो लोगों ने बोला कि उन्होंने वो किताब पढ़ी और उन्हें जमी नहीं, एंड दैट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब वो एक रेस्पेक्टफुल इसमें था कि हाँ यार मुझसे नहीं पढ़ी गई, और ऐसी बहुत बहुत सी किताबों के साथ हमारा होता है. तो सबको बहुत लोग नहीं, निर्मल वर्मा को बहुत लोग शुरू में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं जबकि पढ़ता. निर्मल वर्मा को आप खारिज नहीं कर सकते. हाँ, exactly. तो वो वैसा ही है कि वैसी बात थी. पर उसके बाद ना मैं फेसबुक पे ये पोस्ट बहुत देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जो क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज को,
अच्छा मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अनुवादक को उसका ड्यू मिलना चाहिए, उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए, पर उन्हें वो बुकर के थ्रू मिला है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिला है। अब बिल्कुल, इंडिया, 50-50 हज़ार पाउंड उनको ही मिले हैं। हाँ 50,000 पाउंड उनको मिले हैं, प्लस उनका नाम है, मतलब ये जो होता है ना 50-50 इस चीज में, इंडिया में अगर बात हो रही है तो हम तो वो लोग हैं ना जो ऐसे ढूंढ लेते हैं डीएनए में, कोई अमेरिका में 3 पुश्तों से रह रहा है वो सीईओ बन गया तो उसमें खुश हो जाते हैं कि ये इंडियन है, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारा इंडियन है जिसे रिकग्निशन मिला है और हम अपने आने से मना कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा ही है, ये जबकि देखिए श्वेता, मैं ये चीज कहूंगी कि किताब भाषाई तौर पर किताब की कैसी भी तर्जुमानी की जा सकती है, पर क्रक्स तो वही रहेगा ना, हिंदी का ही रहेगा ना, वैचारिक की। तो भाषा को, तो अगर भाषा को ही पुरस्कार देना होता तो इतने इतने खुर्राट अंग्रेजी लेखक हैं दुनिया भर में, उनकी किताबों को पुरस्कार मिल जाता। यहाँ पुरस्कार वैचारिकी को मिला है, पुरस्कार कभी भी। आप गीतांजलि पर, गीतांजलि को जब पुरस्कार मिला था तो W.B. Yeats की भूमिका उस पर लिखी गई थी, और अंग्रेजी कई इनफैक्ट इंक्लूडेड डीप गीट्स को इंक्लूड करके कई लोगों ने बोला था कि भारतीयों की अंग्रेजी जो है बहुत खराब है, पर उस अंग्रेजी किताब, उस अंग्रेजी तर्जुमानी को पुरस्कार नहीं मिला था। वो जो गीतांजलि के जो दोहे हैं, गीतांजलि के जो पद हैं, जो जो जीवन के बारे में उसका आयाम है, जो उसकी विचारिकी है, उसको पुरस्कार मिला था नोबेल। ठीक है कि नहीं? अब कबीर के दोहों, जीवन कबीर के दोहों में जीवन है, उसको कोई अंग्रेजी में तर्जमानी उसकी कर दे तो क्या उस तर्जमानी को पुरस्कार मिलेगा? इस कबीर के दोहे में जो जीवन है, वैसे कहते ये है कि गीतांजलि में कबीर के दर्शनों को ही विस्तृत रूप दिया गया है, तो कबीर के, हाँ, तो कबीर के दोहों को जो जीवन है, तो मिलना वो पुरस्कार मूलतः किसका हुआ? कबीर के दोहों का हुआ। हम ये क्यों कहें कि वो टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि में विचार की, तो गीतांजलि श्री की है ना। मुझे ये हिंदी के साथ, हिंदी एक्चुअली देखिए मैं ये कहूंगी, बहुत बहुत ही हार्श हो जाएगा, फिर भी मैं कहूंगी कि हिंदी जो है, मानसिक दरिद्रता हिंदी में बहुत, हिंदी भाषा में बहुत अधिक है। उससे दरिद्रता के चक्कर में वे अपनी अपनी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यही उपलब्धि अगर कोई पुरुष लाता तो फिर भी वे थोड़े संकुचित होते क्रिटिसाइज करने में, निंदा करने में, पर चूंकि यह उपलब्धि एक स्त्री लेकर के आई है जिसको उन्होंने हमेशा आउटसाइडर माना, तो वो तिलमिलाए हुए। हाँ ये भी एक साइड है इसका, क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ और पता नहीं ये ना थोड़ा मुश्किल भी है एक्सप्लेन करने में, बट आई ऑलवेज से दिस कि आदमियों के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में, वो भले फैमिली का स्ट्रक्चर हो, बाहर कहीं भी हो, आदमियों के लिए अच्छा बनना आसान होता है, औरतों को अच्छा बनने के लिए बहुत अच्छा बनना पड़ता है, मतलब और बहुत अच्छा बनने के साथ कई सारी चीजें कि आप चुप रह जाइए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो अपने सारा आप को करते रहते मारना हैं। पड़ता है ऑलमोस्ट एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, हाँ आई आपको फील। अपना बेसिक इंस्टिंक्ट कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे आई थिंक हम दोनों स्पेक्ट्रम के ना थोड़े से मतलब एक डिफरेंट उससे हैं, जैसे हाँ यू, बिल्कुल, दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स वेरी हाँ नॉर्मल। द वे यू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट इज कि यू स्पीक अप। मेरा क्या है ना, इट हैज बीन मच डिफरेंट फॉर मी, यू हाँ नो। आई हैव बीन ओके, सो आई वुड से दैट कि प्रोग्रेसिव पेरेंट्स के होने की वजह से, थोड़ा सा डैडी के प्रोग्रेसिव होने की वजह से, आई वाज गिवन आउट, यू नो, लाइक काइंड ऑफ, आई वाज गिवन एक स्पीक, नो, काइंड ऑफ अ कन्फेशन बॉक्स पॉइंट, और जहाँ पे एक आपका एक स्पीक अप पॉइंट जो होता है ना, तब वो था मेरे पास। मतलब आई वाज लाइक कि ये हुआ करता था कि मैं अगर किसी बात पर गुस्सा भी हो जाती हूँ तो माई एंगर वॉज एंटरटेन्ड, सिंस आई वॉज डैडीज फेवरेट, राइट? सो ही कन्वर्टेड मी इन टू अ रेबल बींग। ही वॉन्टेड मी टू पार्टिसिपेट इन, यू नो, स्पीच, इलोक्यूशन, और जितनी सारी चीजें होती है, स्किट्स वगैरह होती हैं। अच्छा हुआ क्या कि इस चक्कर में मैं डांस और गाना सीखना चाहती थी, वो कभी नहीं कर पाई। ही वॉन्टेड मी टू बी टोटली ऑन दिस एकेडमिक साइड, राइट? हाँ, ऑल्दो लाइक ही वॉज पुशिंग मी फॉर स्पोर्ट्स एंड ऑल, वो मुझे दौड़ने वाड़ने में पार्टिसिपेट करवाते थे, बट डांस, मतलब मेरा बड़ा मन था कथक सीखने का, वो जिंदगी भर नहीं सीख पाई। हाँ, बट ही वुड वांट मी टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, स्पीचेस, स्किट्स एंड एवरीथिंग अलाइक। ठीक है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, एंड देन ही यूज्ड टू नर्चर द रेबेलियसनेस जो मेरे अंदर था ना, ही यूज्ड टू नर्चर दैट, क्योंकि उनको अच्छा लगता था, बिकॉज ही यूज्ड टू, यू नो, आस्क मी टू रीड ऑल दीज थिंग्स, क्या कहते हैं, न्यूज पेपर पढ़ना और फिर इंफॉर्मेशन लेना। ही यूज टू लाइक जब मेरे पास मेरे क्रिकेट के स्कोर्स मेरे फिंगर टिप्स पे होते थे, बहुत हैंडी होते थे। सो कहीं ना कहीं ही वॉज नर्चरिंग दिस, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल गर्ल विद इन साइड मी। अब होता क्या था कि मैं कभी कभी ना वो करती थी, मान लो कि
ऊन कांटा लेकर के बैठ गई बिकॉज गर्ल्स ऑफ माई एज दे यूज टू डू द सेम थिंग एंड आई वांटेड टू लर्न दैट. ही वुड से कि बेटा रख दो, इन सब चीजों के अलावा भी दुनिया है. ठीक है, सो वन साइड ही वाज नर्चरिंग दिस, ऑन द अदर साइड श्वेता आई वाज लिविंग इन द सेम एटमॉस्फेयर सेम सोसाइटी बिहार सहरसा छोटी सी जगह. वहां पर ना हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई भाग जाता था, कोई ना मतलब भाग जाना कि somebody you know left her house और वो प्रेम में घर छोड़ देना, मैं भागना मैं नहीं कहूंगी, प्रेम में घर छोड़ देना. exactly. भागना बहुत ही demeaning वो है. हाँ, बड़ा demeaning, लड़कियों के काम में बड़ा demeaning कर देते हैं ये. मैं तो प्रेम में कोई ना कोई लड़की घर छोड़ देती थी. ओके, तो उनके ना माथे पर बल पड़ता था क्योंकि वो जो सामाजिक इज्जत और नाक प्रतिष्ठा जो है वो तो होती है, वो चीजें हर किसी के साथ होती है, तो उनके माथे पर बल पड़ता था कि अब इसको कैसे मैनेज किया जाए. सो ही यूज टू kind of, he never used to say anything to me, he used to kind of pressurize me, ki let's rear her up well, yani matlab acche tarike se uska upbringing kare aur ye wo. okay, so one thing became very clear in my mind, उन्होंने वो कहा कि वो मुझे फिल्में ऐसे दिखा देते थे जिसमें ना कि वो जैसे राजा हिंदुस्तानी की लड़की टैक्सी ड्राइवर की, इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम पढ़ो लिखो उसके जो करना है करो. जो करना है ना पढ़ाई लिखाई से अचीव कर लो, अपनी मर्जी से जो भी करना है कर लो. सो व्हेन आई केम टू दिल्ली फॉर माय फर्दर एजुकेशन माइग्रेशन एंड ऑल, तो वो आते थे और उन्होंने मेरे ऊपर कोई बैरिकेड नहीं लगाया. उनका ये था कि अच्छा होता क्या था कि उसका दोनों मुझसे कहा तुम ट्रेवल भी अकेले करना शुरू करो, अब तक तुम डिपेंडेंट रहोगी. तो उन्होंने ना धीरे धीरे, अच्छा उन्होंने सहरसा में, उन्होंने मुझे जब मैं सहरसा में थी उन्होंने बहुत ककून रखा, अंटिल ट्वेल्थ में बाहर नहीं जाती थी और मेरे रिश्तेदार दे वर काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ अब्यूज एंड ऑल एवरीथिंग यू नो, तो मैं रिश्तेदारों के घर नहीं जाती थी, मैं बाहर मार्केट्स कम जाती थी. हाँ, पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन और वो चली जाती थी, बट खेलकूद भी अपना जब तक 8th 9th में थी खेलकूद करती रही. यू नो कैसा होता है 12th 10th 12th में तो लड़कियों का खेलकूद भी बंद हो जाता है, वो सब चीजें बंद हो जाती थी पर हो गई थी. बट जैसे ही मैं बाहर निकली ही गेव मी ऑल द फ्री स्पेस. उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम ये देख लो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम किसी और चीज में इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी जिंदगी हाथ से जाएगी, बेहतर बना लोगी तो तुम अपने इसको अपने कंट्रोल में रखोगी. तो आई स्टार्टेड टू वर्क. Okay, fine. Achha, then I got married with his choice. On my father's like, you know, pretense, I just got married. तो वो लेकर के आए, उनकी मतलब एक अरेंज्ड मैरिज थी, शादी और हो गई जितनी भी चीजें हुई. But then, you know, after one point in time, I was not feeling comfortable in that particular marriage. It was my father who took the decision that, अच्छा मैंने जब नौकरी छोड़ी शादी के बाद तो मेरे डैडी ने मुझे क्वेश्चन किया कि तुमने तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई क्या किसी की बीवी बनने के लिए ही की थी? मुझसे कहा कि यू गो गेट योर जॉब फर्स्ट. तो मुझे लगता है जो मैं करना चाहती थी तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें इंजेक्ट की गई कि तुम इसको अपनी मर्जी से करो. और उनका वो जो वो था ना वो सपोर्ट था दैट हेल्प्ड मी टू बी व्हाट आई एम. एंड नाउ टुडे आई सी इट श्वेता कि गांव में जो मेरा हमारा पैटर्नल वो था विलेज है जो हमारा घर है वहां पर हम लोग रहे नहीं वहां पर फिर भी लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. सिंस माय फादर वाज प्रीटी स्ट्रांग विद हिज इकोनॉमिकल एंड एवरीथिंग, तो अगर वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाए विथ एवरीथिंग दैट ही कुड गिव इट टू यू नो हर इन लॉज नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे कर लेंगे. सो बेटियों को पढ़ाना इज ओनली थिंग दैट वी कैन डू. नाउ सिंस आई ड्राइव आई हैव माय ओन थिंग्स आई हैव माय ओन अचीवमेंट पीपल आर पुटिंग देयर डॉटर्स फॉर लाइक फर्दर स्टडीज एंड एवरीथिंग एल्स व्हिच आई एम लाइकिंग. चीज का ना मुझे लगता है कि पत्थर मारते हैं आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसके जो रिपल इफेक्ट होते हैं वो रिपल इफेक्ट बहुत काम करते हैं. हाँ, तो वो है कि व्हेन यू रेज अ स्ट्रांग डॉटर सबसे पहले आप ही को झेलना पड़ता है उस चीज को. पहले
तो बेचारे मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे पहले जो वो क्या कहते हैं जो रिसीवर्स होते हैं ना वो मेरे गुस्से के और व्हाटएवर इट इज दे आर द वन मतलब इन सो मेनी थिंग्स यू नो आई डोंट लेट देम टेक एनी डिसीजन ऑन माय बिहाफ. मैंने कहा आप लोगों ने मेरी जिंदगी के दो फैसले लिए दोनों फैसले खराब थे. So they have accepted me, you know, and that's kind. आज भी मैंने जो एक आउटलुक में लेख लिखा है तो मेरे मेरे घर वालों ने मुझे मेरे भाई भाभी ने मेरे मम्मी डैडी ने एंड नाउ माय सन ही इज सो जस्ट लाइक मी ओनली ही हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट मी. एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड मी द वे आई एम. अच्छा चलिए वापस आते हैं आपके लेखन पे. स्टापू की कहानी मैंने उसमें लिखा भी था मतलब उसकी उसमें समीक्षा वाले उसमें भी था क्योंकि मुझे जो चीज उसमें बहुत रिफ्रेशिंग लगी वो ये थी कि कोई भी फीमेल कैरेक्टर बेचारी बन के नहीं रह गई थी जबकि बहुत पोटेंशियल था उस स्टोरी में. मतलब बेचारी बीवी जिसपे चीट किया जा रहा है उससे ज्यादा क्या होगा उससे ज्यादा क्लेशे क्या होगा. बेचारी औरत का जो मतलब सबसे बड़ा वो हो सकता है वो उससे ज्यादा क्या होगा कि यहाँ बच्चे हैं परिवार है सबको संभाल रही है पति के लिए बहुत कर्तव्य निष्ठ है और साथ मतलब वो चीट हो रही है तो भी वो चुपचाप है आवाज नहीं उठा रही है. तो ये तो रेसिपी है बिल्कुल बेचारेपने की जो हो सकती है इंतहा वैसी वाली है. बट एट द सेम टाइम शी हैड स्ट्रेंथ एंड दैट शाइन्ड थ्रू पूरी स्टोरी में. और उसके बाद में फिर उसका दूसरा साइड भी है कि ये दोनों जो रकीब हैं ये मतलब इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं वाला वो जो एंगल आया तो वो जो पूरी चीज थी ना वो मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग लगी क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ थी वो सारे कैरेक्टर्स में थ्रू एंड थ्रू वो बहुत बहुत अच्छी थी बहुत रिफ्रेशिंग थी नया पर्सपेक्टिव था. वरना लव ट्रायंगल लाइक ऑनेस्टली लव ट्रायंगल इज डन टू डेथ. तो इन कैरेक्टर्स में क्योंकि ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन कैरेक्टर्स लाइक दीज अराउंड मी ठीक है तो ये शायद वैसा ये इसको गढ़ते समय क्या था क्या कुछ ऐसा था मन में कि ये होना चाहिए था. एक आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कभी कोई सिचुएशन रही होती जब मैंने ऐसा किया होता. ओके सो व्हाट आई वुड से श्वेता कि जब ये कहानी लिखी जा रही थी इस कहानी का एक 20% हिस्सा सच है. ओके कैरेक्टर्स सच है प्रोबेबली आई वाज अ पार्टिसिपेंट टू दैट स्टोरी. मुझे बस मुझे सिर्फ अगर 20% हिस्सा सच है तो मुझे सिर्फ 1% मालूम ठीक है. बट जितना भी मालूम है मैं उसमें ना उसको एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में रखना चाहती थी जिसमें पुरुष की गलीचता जो है वो निकल कर सामने आए. बिकॉज जब भी मुझे मैं हमेशा लगता है जब भी रिलेशनशिप दो लोग औरतों वाला होता है ना उसमें अक्सर दूसरी या पहली औरत को विलेन बना दिया जाता है जबकि विलेन जो है वो वास्तव में पुरुष होता है जो किसी के साथ भी वफा नहीं निभा पाता. उसको भी विलेन नहीं कहूंगी मैं सब परिस्थितियों के मारे हुए होते हैं सब परिस्थितियों के मारे हुए होते हैं. कभी कभी अब मन को ये मोनोगेमी जो है वो बड़ी समस्याप्रद चीज है. कभी कभार आप मन को ऐसे नियंत्रित करना पड़ता है जैसे आप कर नहीं पाते हैं. तो मुझे उन सारे एस्पेक्ट्स को करना था. और दूसरी चीज ये कि जिस भी दो औरतों की कहानी पर मैंने इस कहानी को पूरा जनरेट किया है उसमें से दोनों औरतों ने एक दूसरे से कभी नफरत नहीं की. ये एक सच्चाई है. उसको शायद वो शायद दोस्त बनी रह सकती थी और वो अगर फोन और इंटरनेट का जमाना होता तो वो दोस्त बनी रहती. तो मैंने उन दोनों के बीच की दोस्ती देखी थी. उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखा था ठीक है. उन दोनों ने एक दूसरे के लिए ही चीजों को छोड़ा ये बात भी मैंने देखी थी. तो उसको फिर इसके बाद लेखक हूँ लेखक ये तरीका तो लगेगा ही ना. नहीं वो और ये देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हाँ मतलब मैं आपको ये बहुत निजी है तो मैं नहीं शेयर कर सकती. नहीं रिकॉर्ड में वैसे भी नहीं पर मैं दोनों ही महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ दोनों ही स्त्रियों की. दोनों स्त्रियां बहुत ही मजबूत हैं. दोनों स्त्रियों ने मुझे बनाया. नहीं ये बहुत मतलब ये वैसी चीज है ना कि आप इज्जत के अलावा क्या कर सकते हो ऐसे में. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कोई बहुत सिक्योर इंसान ऐसी सिचुएशन में दूसरे को स्ट्रेंथ दे सकता है. क्योंकि जो आपने बोला कि किसी को विलन बनाना किसी को विलन बना दिया जाता है आई थिंक ये हमारा नेचर है. पता नहीं ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है या क्या है हम हर सिचुएशन में एक विलन ढूंढते हैं. अगर एक हीरो है तो हम उसके हीरो होने को सिर्फ वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हमें उस स्टोरी में विलन होना चाहिए वहां पे. तो हम हमेशा ढूंढते हैं और ये मतलब बेसिक नेचर वाली बात है कि ये चाहे अनचाहे में हम लोग भी करते हैं कभी कभी.
आई थिंक हम उससे बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकली हूँ. इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को क्वेश्चन कर लेते हो रुक के कि एक सेकेंड आप कर क्या रहे हो, तो वैसा हो जाता है कि आप रुकते हो, आप सोचते हो उस पर. लेकिन कहीं वो आ जाता है कि अगर कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है. अब जैसे यही वाली जो रेप समाधि वाली बात थी, इसमें इस पूरी बात में कुछ था नहीं विवाद उठाने को, पर फिर भी उठा क्योंकि आपको कोई विलन तो ढूंढना ही है, कहीं ना कहीं तो कुछ खोज के करना ही है ना कर, तो वो वैसा हो जाता है. तो स्टापो की वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज थी, क्योंकि ऑल्सो लुकिंग एट द विंडो की दोनों कैसे सोच रही हैं. सबसे बड़ा गैप जो मुझे लगता है, और स्पेशली मेल राइटर्स के फीमेल कैरेक्टर्स में लगता है, कि कभी कभी मुझे उनका एक्शन समझ में आता है, कि वो जो फीमेल एक्शन देते हैं कि ये सिचुएशन हुई फिर इसने ऐसे एक्ट किया टू शो द स्ट्रेंथ, वो ठीक है उसमें कोई नहीं है, पर उसके बीच का जो संवाद होता है ना पात्र का खुद हो से. जाता है, वो हाँ संवाद खोया हुआ रहता है, वो हाँ लिंक्स टूटे हुए रहते हैं। अब कृष्णा सुमति की स्त्रियों को अब मैं ऐसे ले जाती हूँ कि कृष्णा सुमति की सबसे वो है, अब नाम याद दिलाएं तो मैं याद आए अपना नाम वो मुझे भी नहीं एकदम याद आ रहा है अभी ऐसे. मित्रों मरजानी, मित्रों 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 कृष्णा मित्रों. हाँ सुमति की मित्रों जो कैरेक्टर है बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर। अब ये बताइए हाँ कि उसकी कैरेक्टर क्या है कि वो लोग कह रहे हैं मतलब पति उसको मार रहा है, पति की आंखों में देखी जा रही है, और ऐसी ढीठ औरतें होती हैं, और इन औरतों को नहीं गढ़ पाएंगे क्योंकि उनको औरतों की ढीठता कहीं ना कहीं कंडीशनिंग, औरतों की ढीठता नहीं भागता। मुझे इसीलिए सिर्फ मुझे चांद चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ बहुत ढीठ है, और मुझे लगता है कि कैसे उन्होंने ये स्त्री तैयार कर दी सुरेंद्र भगवान, वो अलग स्त्री। अदरवाइज आप अक्सर देखेंगे पुरुषों में कि वो स्त्रियां उनकी या तो बहुत नाजुक बहुत अच्छी होती हैं, या फिर ऐसी रेबेल होती हैं जैसी होती ही नहीं। ठीक है, अब अभी रिसेंटली मैं किसी किताब के लॉन्च पर थी, और किताब जो थी वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों का पर मतलब कंचन सिंह चौहान की किताब थी, तुम्हारी नहीं थी, डिफरेंट थी। वहां पर एक महोदय आए, सज्जन आए, और वो कहते हैं कि तुमने बहुत लिख लिया, डिफरेंट कंचन सिंह चौहान खुद भी डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, तो आपने तुमने बहुत लिख लिया स्पेशली एबल्ड डिफरेंटली एबल्ड लोगों पे, अब तुम नॉर्मल कहानियां लिखो। तो मुझे बड़ा तेज गुस्सा आया, बोले भाई अब तक स्त्रियों की कहानी भी पुरुषों ने लिखी है अपने तरीके से, स्त्रियों को कहते हैं आप लोग को खाली फेमिनिज्म सोचता है कुछ और लिखा कीजिए, जब हमारी कहानी हमारे दुख दर्द दलितों के दुख दर्द डिफरेंटली एबल्ड के दुख दर्द सब दुख दर्द आप ही कहेंगे कि उनको भी कहने देंगे, उनका भुगा हुआ यथार्थ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि पुरुषों ने अपनी ओर से कहानी गढ़कर जो जितने भी डिप्राइव्ड सेगमेंट थे सबके भोगे हुए यथार्थ पर एक पर्दा डाल दिया। और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना सुनना, जैसे कंडीशनिंग की बात जो हमने की, वो अगर कोई अपनी कहानी बोल रहा है जैसे कि आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो ढीठ औरतें अक्सर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगी इनकी कहानियों में. ढीठ औरतें बदतमीज होंगी, बदचलन होंगी, ढीठता स्ट्रेंथ नहीं होती है जनरली जो पुरुष गढ़ रहे होते हैं तब. अभी आप देखिए ना, अभी रिसेंटली जो ऑर्गेज्म वाला मुद्दा हुआ, मैं पूरी ढिटाई से लगी रही हूँ, और उन्होंने एवरीथिंग एवरीथिंग, और मैं सच में ढीठ हूँ, मैं भयंकर ढीठ हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार होना पड़ता है, मतलब है। होना पड़ता है. इवन कि जैसे मैं अगर नहीं हो पाई हूँ तो मैं फेसबुक पे एक्टिव ही नहीं, मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ फेसबुक पे, तो मैं वहां जनरली नहीं कोई विवाद छेड़ती हूँ. और जो ही मैंने लिखा था वो, एंड आई वॉज अपसेट अबाउट द अदर पोस्ट जो मैंने मेंशन किया था जो आपका हाँ, है. मैंने उसको, मैंने मुझे खुद भी वो लगा हाँ मैंने वो, उसके अंदर लेकिन वो हो उसको जाता है वो कभी कभी, मतलब इतना कुछ चल रहा था कि ठीक है वैसा जो भी हुआ. तो जब मैंने वो भी लिखा था तो उसपे भी मुझे अजीब से कमेंट मिल रहे थे, मतलब तो लगा कि यार तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ, लाइक बिफोर रिएक्टिंग और बिफोर कॉलिंग मी आउट कॉलिंग मी नेम्स तुम समझ भी नहीं रहे हो. तो मैंने एक आध का जवाब कुछ दिया भी था, फिर वो वापस आके कुछ बोल रहे हैं, मैंने कहा यार इतना कहाँ हो पाएगा मेरे से, मैंने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया. तो चले गए, मैंने कहा मेरा दफ्तर चल रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा तुम रहने दो. तो वो वैसा हो जाता है कि फेसबुक पे जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कभी इस बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है. किसी डॉक्यूमेंट्री में हम देख रहे थे तो किसी सैनिक से कहा गया कि इतनी क्रूरता कैसे कर पाए आप, तो ही सेड कि हम कभी किसी को उसके नाम से नहीं बुलाते थे, तो जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, उन्हें वो लोग उनके किसी मतलब बॉडीली ऑडिटी के नाम से बुलाएंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे, वो किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाते थे. तो जब वो आपको ना, यू आर रिड्यूसिंग समवन टू जस्ट अ ट्रेट, वो आपके लिए इंसान नहीं रह जाता है, आपको डिह्यूमनाइज कर देते हो. तो वो कि वो चीज एग्जैक्टली
और वो कि वो चीज फेसबुक पे होती है, और समहाउ लड़कियों के लिए वो ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको तो मतलब पहले ही वो ऑब्जेक्ट है ही है, और उसके ऑब्जेक्टिफाइड बाद है इज्जत का, जिस वक्त आप इज्जत का सामान है ऑब्जेक्टिफाइड है भाई, जैसे टीवी इज्जत का, मेरे घर में बड़ा टीवी है तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, हाँ। सुंदर स्त्री है तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, तो बड़े टीवी में सुंदर स्त्री में फर्क क्या रहा? अच्छा, इस पे बिफोर वी टॉक अबाउट दिस इश्यू, लेट्स गो बैक। आपको याद, जैसे मैंने कल कहा था कि मैं विवादों पे बात, मैं ये इंटरव्यू 3-4 हफ्ते पहले करना चाहती थी, बट जब सारा कुछ चल रहा था तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, क्योंकि दिस होल थिंग विल गेट, दिस होल कॉन्वर्जेशन विल गेट रिड्यूस टू वन इशू, और मैं वो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक इंसान ना एक विवाद से बहुत बड़ा होता है, बहुत पहलू होते हैं, और उस टाइम में ना हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज रिड्यूस हो जाती है, उस चीज से लोग भी आपको सिर्फ उसी मुद्दे पे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद उस टाइम पे इतने हीटेड अप होते हैं ना कि वो मुद्दा बहुत बड़ा होता है, बाद में पीछे मुड़ के देखने में यू पुट एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव, कि जैसे उस पोस्ट की बात हुई कि भाई उस टाइम पे एक रिएक्शन वाला वो आया, अदरवाइज यू वुड नॉट नेवर हैव डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो दूसरी पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे अलग से, तो थोड़ा हाँ आई गेट दैट, डिटैच कर लेते हो ना, तो आप उस चीज को पूरे उसमें देख रहे हो, तो दुनिया भी वैसे ही देख रही होती है आपको उस टाइम पे, तो वो वैसा था। तो बिफोर वी गो इन टू दैट, कुछ याद है ऐसा, जैसे मैं कल बोल रही थी कि मैं विवाद के बारे में बात नहीं भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँ, मतलब वो मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती। अरे मुझे अच्छा बताइए, अब मैं कैसा, मुझे तो याद है कि अभी देखिए अब इस ऑर्गेजम वाले से ठीक पहले कौन सा विवाद था, किस किताबों वाला, विनोद कुमार किताब, शुक्ल वाला, विनोद कुमार शुक्ल वाला मसला, जिसपे ओ रॉयल्टी वाला हाँ, राइट मसला, राइट राइट, रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब उसमें मैं सच्चाई लिखी, उसमें मैंने लिखा अपने अनुभव। अब मैं क्या करूं भाई, मैं सच बोलूं, मैं वही वही परवीन शाकिर का शेर है बड़ा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच बोलूंगी और हार, तो मैं हाँ, सच बोल करके हारती नहीं हूँ, मैं सच बोल करके लगी रहती हूँ, बोलूंगी बोलना भी बोलूंगी पड़ता है बोलूंगी ना, वो झूठ के साथ भी है कि झूठ बोलूंगी। अगर कंफर्टेबल हो और बहुत बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, तो इसीलिए आपको सच को तो और जोर से बोलना और पड़ेगा। जोर से बोलना पड़ता है, अब चूंकि मैं बोलती हूँ, देखिए बोलना जो है वो विवाद, बोलने से बात दूर तक जाती है, जब बात दूर तक जाएगी तो बहुत सारे उसके मतलब रिपरकशंस भी होंगे, बहुत सारे उस पर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, बहुत सारे काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब इन सारी चीजों में, जब इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में तो फिर कहीं ना कहीं विवाद तो पैदा होगा ही होगा। तो जो बोलना है, चूंकि दरअसल मैं बोलने से चुपती नहीं हूँ, मम्मी मतलब मम्मी भी ना बचपन में 2 थप्पड़ मार देती थी, बोलना भी चुप होता है इसका, चुपती नहीं है बोलने से, तो थप्पड़ों की आदत मुझे पड़ी हुई है, अब थप्पड़ों को विवाद मान लीजिए बोलना खत्म नहीं होता है मेरा, और जो ये थप्पड़ जो है वो उस तरह से खत्म नहीं होते हैं, थप्पड़ पड़ते जाते हैं, मैं बोलती जाती हूँ फाइनली मम्मी भी कन्विंस हो जाती थी, एक दिन जनता भी कन्विंस हो जाएगी। देखिए जनता इतनी ज्यादा है ना कि पूरी तरह से, और एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं है, बात सिर्फ आपके कहने की नहीं है, बात ये है कि अंडर करंट बहुत सारे चल रहे होते हैं एट एनी गिवन टाइम, तो उसमें ना आपको नहीं पता है कि कब आप किसके एजेंडा के अगेंस्ट जा रहे हो, आप पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, कब कहाँ किसके निशाने पे आ जाओगे, कब हाशिए पे डालने की कवायद शुरू हो जाएगी, ये आप नहीं अच्छा कर ये बड़ा, ये बहुत सही बात कही आपने। हुआ देखिए हुआ क्या, अब मैं बताऊंगी मसला कैसे शुरू हुआ। मैं एक नॉर्मल सी बात थी, ये क्या कहते हैं, जो पोस्टर वाला मसला पूरा शुरू हुआ, कैसी बात, क्या बात थी कि एक फेसबुक लाइव में थे हम लोग, जिसमें औरत डेटिंग एप्स पे औरतों की बढ़ती हुई संख्या पर बात हो रही थी। उसमें मैंने एक सर्वे, चूंकि मैंने सेक्सुअलिटी पे काम किया तो सर्वे, चूंकि ये सब चीजें मेरे जहन में थी, तो मैंने एक आंकड़ा कोट किया, दैट्स इट, जो कि सर्वे 2000, सबने वो सर्वे देख लिया होगा, तो ड्यूरेक्स का वो सर्वे उस वक्त नहीं चला होगा जितना अब चल गया होगा तो वो सर्वे का आंकड़ा मैंने कोट कर दिया, उसको मैंने उस पर पोस्टर बना, उस पोस्टर को मैंने लगा दिया, और ऑर्गेजम पे मैंने, आप मुझे पीछे जाएंगे तो मैंने बहुत बातें की हैं ऑर्गेजम पर, मेरे फेसबुक पोस्ट में 2017 में एक बात है, 2019 में एक बात है, 2020 में एक बात है, मैंने किया है, पर दैट पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकली, अच्छा पिछले कुछ सालों से मैं पॉलिटिकली तौर पॉलिटिकली बहुत वोकल हो गई, मतलब व्हाट व्हाट आई लाइक व्हाट आई डोंट लाइक, वेयर आई शुड स्टे वेयर आई शुड नॉट, उसको लेकर के वोकल हो गई। हो सकता है कुछ लोग होंगे जो मुझे उस वक्त नैब नहीं कर पा रहे हैं, एंड सिंस ये जो पूरा मैटर था, हियर आई एम नो वे टॉकिंग अबाउट मेन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट विमेन, औरतों को नहीं मिल पाते, औरतों को नहीं मिल पाने से, मिल पाने का मतलब ये नहीं होता है कि मर्द नहीं दे पाते,
आप ग्लास आधा भरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आधा खाली, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ ग्लास आधा खाली है, तो आप इसको जैसे लेना चाहें, आपका नजरिया है राइट। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने इस पर बवाल शुरू किया हो कहीं ना कहीं मुझसे आ तो खार खाए हुए। सो मेनी थिंग्स यू नो, यू कांट एंटिसिपेट इन विच डायरेक्शन व्हाट वुड गो। हाँ, यू कैन नेवर एंटिसिपेट दैट. प्लस दूसरा ये भी है ना कि जब तक आप किसी किसी एक एजेंडा पे नहीं है, अब आपको अगर सारी दुनिया उसी नजर से नहीं दिख रही है तो आप फिर नहीं देख सकते कि ये चीज कहाँ 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 किसके अगेंस्ट जा रही है. तो वही वो वही वही पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मतलब वो होगा. एंड मैं ये पूछना चाह रही थी आपको, डू यू रिमेम्बर, अच्छा ये थप्पड़ वाली जो बात थी, ये तो चलो मतलब ये फैमिली वाला जो हिसाब है ये होता ही है वैसा है, पर सोशल मीडिया के आने से चीजें बहुत बदल गई हैं. आपको वॉइस मिली है, ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग, पर दूसरा पहलू ये भी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वॉइस नहीं मिली है जिनके पास कुछ बोलने को है, उन्हें भी मिली है जिनके पास कुछ वेरी नहीं. राइट पॉइंट, वेरी राइट पॉइंट, तो फिर, और ये लोग बोलते हैं बोलना किसी का कभी बंद नहीं होता है, तो इससे ना एग्जैक्टली कब मतलब ऑर्कुट में तो मुझे नहीं ध्यान है कि ऐसा कुछ होता था, मतलब ऑर्कुट मेरे लिए बहुत नया भी था, मैं भी बच्ची थी तो वो वैसे ही निकल गया, दोस्ती वोस्ती करते, टेस्टिमोनियल लिखते, फेसबुक पे आने हाँ या यू आई के रिमेंबर इट, वी वर कॉलेज स्टूडेंट्स, वी वर एट दैट पॉइंट इन टाइम. या हाँ, तो वो वैसे था, हाँ फेसबुक पे आने के बाद ना ये एक नया मतलब सोशल पूरा रिवोल्यूशन चला है जहाँ पे चीजें फेसबुक से ही बदल रही हैं, लोग दोस्त बन रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बन जा रही हैं, पूरा मतलब ऐसा चल रहा है केस. तो फेसबुक का पहला विवाद याद है आपको अपना, लाइक हाउ लॉन्ग बिल्कुल. अगो दैट? 2010 उस प्रोफाइल को ओके मैंने चुकी बिकॉज ऑफ सिंस माय हस्बैंड डिड. होता है ना, आप कभी कभी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो उस प्रोफाइल को मेरी मेरी पहली मैंने 2008 में फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई थी. सो यू नो द अर्ली बर्ड्स. 2008 में उसी टाइम फेसबुक शायद इंडिया में आया, पता नहीं यार 2008 हाँ, में 2008 में नहीं आया था, कॉलेज थर्ड ईयर में, कॉलेज फिनिश हुआ था, अर्ली बर्ड थी आया. मैं. मतलब उस वक्त भी मतलब पहली प्रोफाइल थी. और क्या था पोस्ट, उस वक्त भी 1000 दोस्त पोस्ट बनते थे 2010 9-10 में मेरे. तो दो तस्वीर, एक तो मैंने तस्वीर में मेरा एक कश्मीरी दोस्त हुआ करता था, ठीक है, उसके घर गई हुई थी, तो मैंने ना वो हिजाब वगैरह पहन करके, मतलब हिजाब नहीं, क्या कहते हैं वो, दुपट्टा ऐसे पहन के लगाते हैं, हिजाबी हिजाबी करके तस्वीर खिंचवाई थी. तो मेरे अपने ही दोस्तों ने, तुमने धर्म बदल लिया है, तुम ये हो गई हो, वो हो गई हो, बड़ी गालियां दी थी मुझे. पहला भी बात. दूसरा उसके ठीक बाद आया था 2010 में कश्मीर में, ना 2010 में कश्मीर में बड़ा वो जो एक्चुअली अनरेस्ट जो है ना, अनरेस्ट 2010 से शुरू हुआ था कश्मीर में. 2010 से पहले तक जो ये नया वाला अनरेस्ट है, जो लगातार 12 साल हो गए उस अनरेस्ट को, वो 2010 से शुरू हुआ था. उससे पहले तो फिलहाल मट्टू 16 साल का लड़का था, हाँ उसको फिलहाल हाँ हाँ मट्टू वाला केस, उसके अचानक से कश्मीर स्टार्ट. उसमें अरुंधति रॉय ने कुछ बोला था और अरुंधति रॉय पर केस हो गया था, सिडिशन. मैंने गर्मा गर्म पोस्ट लिखा था, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड सेडिशन एंड आई एम एन एंटीनेशनल. 25 साल की लड़की थी ना, वो बॉइलिंग ब्लड एंड ऑल. खून में जोश तो भी ज्यादा पहला आता है. हाँ पहला मैसेज के बाद वही था. ऑल्दो इट डिड नॉट, मतलब उस वक्त चूंकि फेसबुक की रीच उतनी ज्यादा नहीं थी, तो खाली दोस्तों जानकारों ने ही मेरी लाने को लाने करते, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग रिमेंट अंडर कंट्रोल. हाँ, वो भी फिर टाइम बदल गया ना, क्योंकि अब तो जैसे एंड यू आर सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक फिगर नाउ. मैं बोल रही थी कि जो नीलोत्पल मृणाल वाला किस्सा हुआ था, हाँ उसमें क्या सही था क्या गलत था, टेक्निकली क्या होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये तो बड़ी बातें हैं अपनी जगह. और मुझे ये अजीब भी नहीं लगा, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझे तो ये चीज सुन के भी अजीब नहीं लगी कि ऐसा हो सकता है. लेकिन हाँ, वॉट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी कि जो लोग लेखक पत्रकार, ये कम्युनिटी ऐसी है जिसको बोलना मतलब ऑब्वियसली इनको हर नए मुद्दे को जानना भी होता है, वो प्रोफेशनल हजार्ड भी है, जानना भी होता है, बोलना भी होता है, सब है. इस मुद्दे पे सरप्राइजिंगली लोग बहुत चुप थे, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू. मुझे एक दो और लोगों का नाम याद आ रहा है, अगर मैं बहुत याद कर रही हूँ तो भी, जिन्होंने इस पे बोला होगा. ज्यादातर लोग इस पे चुप थे, ठीक है. उसके बाद में लोगों ने उसे अलग कि इसमें ये होना चाहिए था वो या नहीं होना चाहिए था, ये चार्ज सही है या नहीं, या फिर 10 साल तक आप क्या कर रहे थे, वो सब चीजें ठीक है. पर बहुत ना आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे लोग जिन्हें हर मुद्दे पे बोलना होता है, देश में कुछ हो जाए, एक चीज इधर की उधर हो जाए, उन्हें बोलना होता है, वो इस पे नहीं बोले.
स्पेशली जब वो इस कम्युनिटी से आ रहा था, दिस वॉज लाइक यू नो हैपनिंग इन देयर नेबरहुड एज आई वुड लाइक टू कॉल इट, तो भी लोग नहीं बोले. और मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं उस सर्कल में मतलब इंटरनली इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो मुझे वही दिखता है जो फेसबुक पे हो रहा होता है. तो हो सकता है कि अंदर आवाज उठी हो सकता है अंदर इस पर बातें हुई हो, बाहर कुछ नहीं आया. और क्या ये सिर्फ दोस्ती आ रही थी कि हमाम में सब नंगे हैं, ये वाले बात थी. समझ रही हैं आप? मैं उसके बाद से कौन किसको तोपेगा, कौन किसको तोपेगा, कौन किसको ढकेगा, कौन कहाँ पर्दा लगाएगा. उसके बाद से मेरे एक दो दोस्त कर दिए. I realize that कि पर्दा जुड़ गया तो भेद खुल जाएगा. तो एक का पर्दा उठेगा तो बाकियों के भी उठने के आसार हो सकते हैं ना, तमाम में सारे होंगे. और पता चलेगा कि किसी का कोई, किसी ने पोस्ट किया कि भाई ये तो बहुत गलत था, तो नीचे कोई और ही उसमें अपना स्क्रीनशॉट चिपका रहा है. तू भी कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तुम कौन हो. सो मीटू वाले टाइम में आप इसको मैं आप कनेक्ट करती हूँ मीटू वाले टाइम से. मीटू वाले टाइम में देयर वर पीपल हु एक्चुअली कंप्लीटली रिफ्यूज टू यू नो बीइंग रिफ्यूज द प्रेजेंस ऑफ इनफैक्ट यू नो काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. वहां पर विनोद दुआ के ऊपर खुद चार्जेस लगे हुए हैं और विनोद दुआ खुद को ही बर्खास्त कर रहे हैं, खुद को ही बरी कर रहे हैं. चलेगा विनोद दुआ पर जो जिसने कर दिया है, गलत डीड्स किए हैं तो आपके वो डीड्स नजर आएंगे. एमजे अकबर पर चार्जेस आपने देखे होंगे. मतलब इतने दिन क्यों चुप थी, ऐसी क्या चीज. सेम यही चीजें उस वक्त भी हो रही थी कि हमाम में सब नंगे, सबने किसी ना किसी का मतलब पता है क्या. मतलब मेरे एक दोस्त का कहना है कि सेक्स जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन है, पावरफुल क्या कहते हैं डिजायर भी, चाह और भावना दोनों. ठीक है, वर्ल्ड रूल्स अराउंड, मतलब वर्ल्ड रूल्स विद इट, वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड इट. मतलब दुनिया इसके आसपास घूमती भी है, इसके साथ सहारे शासन भी करती है. जब मसला इससे जुड़ा हुआ होता है ना, सब सब अपने आप को शील्ड करने लग जाता है. तो मुझे लगता है कि जो चुप्पी थी वो शील्ड थी, वो एक पर्दा नशीली थी. That's a very very accurate analysis of this. क्योंकि ये चीज जो है ना, ये मैंने मतलब पर्सनली मैं सरप्राइज नहीं थी बिल्कुल भी जब ऐसा कुछ आया. मैं नहीं थी, मेरी मीर उत्पल से ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं रही है इतनी कि मैं उनको जज कर सकूं. पर फिर भी कभी कभी कुछ चीजें रहती हैं कि आप आई वॉज नॉट सरप्राइज वेन दिस हैपन. बट गोइंग बैक टू योर राइटिंग, क्योंकि मतलब बात तो वहीं से मेन उसमें शुरू होती है ना, विवाद का तो ऐसा है कि वो गुस्सा ही जा रहा है. लेकिन अच्छा विवाद तो मुझसे प्रेम है, मतलब मेरे पार्टनर्स को मुझसे प्रेम रहा हो ना रहा हो विवादों को मतलब मुझे लगता है विवादों को ही मुझे वरमाला पहना देनी चाहिए कि आओ भाई कर दिया है ना उसने, उसमें कुछ वो रह नहीं गया. एग्जैक्टली यू आर राइट, मैंने तो कोर्ट मैरिज कर लिया उसके साथ, वो हो गया है, वो नहीं जा रहा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्चुअली मुझे नहीं लगता, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये बदल जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, वो बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा. लोगों का बेसिक नेचर वही रहने वाला है. सो व्हेनेवर यू मेक एनीवन अनकंफर्टेबल दे आर गोइंग टू रिएक्ट, तो ये वैसा ही हो एंड यू विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल, कुछ होगा ही. वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे ना ही, मैं भी कुत्ते की ही पूछ हूं, बाहर बॉटल में रख दे तो भी मैं सीधी नहीं होगी. तो टू रैपिंग दिस अप, ये बताइए कि अगली किताब कब आ रही है. लिख लूं तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आ जाएगी. कुछ पाइपलाइन में है नया जो अभी नौकरी बहुत, मैं भी नौकरी कर रही हूँ और मुझे इस चीज से रोज चिढ़ होती है. मैं अपने एडिटर को, अपने बॉस को जाकर के कह देती हूँ कि मुझे ना ये नहीं करनी है नौकरी. क्योंकि दो चीजें अगर श्वेता मैं नहीं कर पाती, अगर मैं लिख नहीं पाती हूँ और एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ ना, तो मन करता है कि दुनिया में आग लगा दूं. I'm sorry. I feel really very uncomfortable. I can't miss on my exercises as well as my writing. There is one kind of idea that is looming on, and I have to create something on that. So I'll make sure कि मैं अगस्त सितंबर तक उसको पूरा करूं. Nice. तो मतलब इस साल के एंड तक स्टापू के अलावा भी कुछ नया आने की संभावना है. और नहीं कुछ होगा तो कम से कम कहानियों का एक कलेक्शन तो जरूर आ जाएगा, बट 2022 के आखिर तक तीसरी किताब आ जाएगी. ओके, दैट विल बी अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली. 2020-21-22 मतलब वो पूरा, या दैट सी यू नो मुझे ना 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है.
तो मैं चाहती हूँ कि जब रिटायर हो जाऊं तो इतनी किताबें हो जाए कि रॉयल्टी से, अब तो हम लोग सरकारी नौकर है नहीं, तो रॉयल्टी से घर खर्च चल जाए, उसके बाद फिर और क्या भी लिखूंगी, तो रॉयल्टी से घर चलाने के लिए किताबें मैं हर साल इकट्ठा करना जरूरी है। हाँ इकट्ठा कर लेना। और एक पता है, आप लिखते रहते हैं ना, आप जैसे ही ब्रेक लेते हैं आपकी जो, आप फिर वो राइटर्स ब्लॉक में चले जाते हैं। तो मैं लिखते रहना चाहती हूँ कंटिन्यूअली। That will be great. वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। Thank you. I have just a wonderful पाठक, you know, generous पाठक with me. नहीं नहीं, that's I'm very blunt. मतलब मैं बोलती नहीं हूँ, as such मैं ignore कर जाती हूँ बहुत सारी चीजें, मैं बहुत कूड़ा पढ़ती हूँ, पर मैं अब चुप लगा जाती हूँ उसपे, तो मुझे जब मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो thanks, very good. बहुत अच्छा लगा मुझे। बार अच्छा संडे अच्छा बीत गया। I'll be waiting for your new book eagerly. और फिर जल्दी ही मिलते हैं, और क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया हो ही जाएगा बात करने वाला, और पुराना तो अभी बैकलॉग पड़ा ही है, मेरे अभी कुछ सवाल बाकी है। अनु बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका ना टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार श्वेता, बहुत बहुत आभार।